जी सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारे ही श्रोतियों नूं जी आया नूं जी। पंजाब च सवेरे 8 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक ली हो गया है सरकारी हुक्म। ताज़ा वड्डी खबर, खबर नूं शुरू करन तो पहलां जिन्हां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लैन ते वीडियो नूं वध तों वध लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो जिन्हां ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है लिंक डिस्क्रिप्शन च है, उत्थे जाके तुसीं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सूबे अंदर पिछले कुछ समय तो बिजली की भारी किल्लत होने कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पै रहा है। जिथे बरसात ना होने कारण बिजली के कट लगन कारण लोगों को कई तरह की मुश्किलें पेश आई। ओथ ही इंडस्ट्री में बिजली की सप्लाई कट देने कारण रुजगार उपर भी इसका आम असर है। उधर इस गर्मी के सीजन में झोने की फसल की बिजाई होने तो बाद पानी की भारी किल्लत दा सामना करना पाया। हुण पंजाब च सवेरे 8 तो लैके दोपहर 2 बजे तक लई सरकारी हुक्म दा ऐलान हो गया। पंजाब विच बिजली दी किल्लत कारण जिथे लोगों नूं भारी समस्याओं का सामना करना पै रहा है, उत्थे सरकार वल्लों ऐलान किया गया है तां जो लोगों दीआं समस्यावां दा निपटारा किया जा सके। बीती दिनी पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरां दे समें विच तब्दीली कर दित्ती सी तां जो बिजली दी समस्यावां नूं हल किया जा सके। हुण सरकारी दफ्तरों का समा सवेरे 8 बजे तो लैके बाद दोपहर 2 बजे तक कर दिता है। पंजाब सरकार वालों बिजली संकट के चलते यह फैसला लागू किया गया। उत्थे ही सरकारी अदारों में एसी नूं बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। हुण यह समा 14 जुलाई तक जारी रहेगा। इसके तहत 14 जुलाई तक दफ्तरों का समा 8 तो लैके 2 बजे तक रहेगा, जिस सूबे अंदर बिजली की कमी का हल किया जा सके। बरसात के नाल ते मौसम की तब्दीली कारण बिजली खपत घट है। खबर लास्ट तक देखने लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।